दोस्तों ये दो चीजें डायबिटीज की दवाई से भी ज्यादा असरदार है। मधुमेह मधुमेह को हमेशा के लिए कंट्रोल कर देगी। दोस्तों तेजी से बदलते जीवन शैली, तनाव, डिप्रेशन और चिंता ने तमाम बीमारियों को जन्म दिया है और उन्हीं में से एक गंभीर बीमारी है डायबिटीज, जिसे मधुमेह या फिर आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी तेजी से अपना शिकार बना रही है। जो दवाई हम शुगर की या डायबिटीज की खाते हैं उसे डायबिटीज तो कंट्रोल हो सकती है लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो घरेलू ट्रीटमेंट होते हैं उनके हमें पूरे फायदे नहीं मिलते हैं। दोस्तों प्रत्येक घरेलू ट्रीटमेंट जो होता है उसे खाने का सही समय और सही तरीका होता है। अगर सही समय और सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो ये दवाई से भी ज्यादा फायदा करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते। आजकल बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ना, खान पान में गड़बड़ी होना, मानसिक तनाव होना, वर्कआउट की कमी की वजह से बहुत से गंभीर बीमारियां लग रही हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ वो कारगर है। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दवाई से भी ज्यादा असरदार है। तो पहला है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला का नाम सुनते ही सब लोग यही सोचेंगे कि ये तो कब्ज को दूर करने की चीज है, शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करने की चीज है, खून को फिल्टर करने की चीज है। हर चीज को लेने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस बीमारी को ठीक कर रहा है। अगर आप त्रिफला का यूज डायबिटीज में करते हैं तो ये हमारे पैनक्रियास को मजबूत करती है और नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाने में मदद करती है। आप रात को एक चम्मच त्रिफला को एक गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह इसे गर्म कर खाली पेट पीना है। इस चीज का सेवन आपको रोज सुबह खाली पेट करना है। एक महीने तक रेगुलर इसे करने के बाद आप 15 दिन का गैप दीजिए और फिर इसे 30 दिन तक रेगुलर कीजिए। ऐसा करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है और नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। आप इसका सेवन लगातार 2 महीने तक कीजिए, यानी 30 दिन कीजिए, फिर 15 दिन गैप दीजिए, फिर वापस 30 दिन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों त्रिफला के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप इस तरह त्रिफला का सेवन करते हो तो पेट की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएगी और आपके ऑर्गन्स भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। इसके साथ दूसरी जो चीज है वो है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना कमजोरी को दूर करती है, ज्वाइंट पेन, हड्डियों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया की समस्या को दूर करती है। इसके साथ मोटापे को दूर करती है, मसल्स पेन को दूर करती है और इस शरीर को डिटॉक्स करती है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को भी क्योर करती है। तो आप रात को एक चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख देना है, सुबह मेथी को गर्म कर लें और छान कर मेथी दाने को चबा चबा कर खा लें। उसके बाद जो मेथी वाला पानी बचा हुआ है उसे हल्का गर्म घूंट घूंट करके पी लें। इसके आधे घंटे के बाद नाश्ता कीजिए या फिर कुछ खाइए। ऐसा करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। आप इन दोनों ट्रीटमेंट को 2 महीने तक लगातार कीजिए, आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर दीजिए और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।